अभी तो आई एम प्रेटी मच सैटिस्फाइड, नहीं सैटिस्फाइड नहीं, हैप्पी विद माई फिजिक। और ये नई डाइट और ट्रेनिंग अप्रोच भाई मस्त काम कर रही है, एज आई एम लीन और एट द सेम टाइम मैं मसल भी पुट ऑन कर पा रहा हूँ। तो उठते ही द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ ड्रिंक बहुत सारा पानी, एंड बाय बहुत सारा आई मीन जितना भी पी पाऊँ। एंड सेकेंड थिंग इज़ आंवला रस, और मैंने पहले भी मेंशन किया है कि ये चीज़ भाई बहुत टेस्टी, और कितना टेस्टी है शक्ल देख के पता लग ही रहा है। तो अभी आई एम हेयर विद माई मील नंबर वन विच यू ऑलरेडी नो आ गई, ओवरनाइट ओट्स। और जैसे लास्ट कंटेनर में ना जो भी था वो शहद का डब्बा उसका ना ओपनिंग बहुत ही ज्यादा नैरो थी, और ये चीज परफेक्ट है। तो सिंपली इसको मैं रात को भिगोकर छोड़ देता हूँ और सुबह उठ के खा लेता हूँ। और उनके लिए एक छोटा सा रिकैप डाल दूंगा जिनको नहीं पता इसके अंदर क्या है। 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स डाले, एक बनाना, दो छुआरे, 15 बादाम, 15 किशमिश, हीपिंग स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड और मेलन सीड, एक स्पून ऑफ चिया सीड, 300 ml ऑफ पानी, 1 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर। तो लास्ट टाइम मेरे को कमेंट्स आए थे कि वे हम रात को ही मिक्स करके छोड़ दें, तो अगर तुम रात को मिलाओगे ना, रात को मिक्स करोगे ना वे को, तो क्या होगा, जो वे है ना वो थोड़ा बहुत ओट्स के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, या बाकी चीजें जो पानी एब्जॉर्ब करेंगी साथ साथ में वे भी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उससे क्या होगा, जो ओवरऑल फ्लेवर है ना वो भी अंदर चला जाएगा ओट्स के। और अगर तुम इसको इस टाइम पे मिक्स करोगे ना खाते टाइम, तो क्या होगा, जो सारा फ्लेवर है ना वो बाहर ही रहेगा, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा, और इसलिए तुम्हें ज्यादा टेस्ट आएगा। मुझे समझाना नहीं आ रहा एक तो, और मुझे नहीं पता तुम समझे या नहीं समझे। प्लस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर फेवरेट। मैं जो भी मील्स बनाता हूँ ना, मैं हमेशा सोचता हूँ कि उनको कभी रिप्लेस नहीं करूंगा, पर ऐसा ऑल्टरनेटिव निकल के आता है ना कि बस मजा ही आ जाता है। तो एक बहुत जरूरी सूचना, आज के बाद किसी भी सोया वाली रील पे मुझे टैग मत करना। तो सोया का सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट नहीं मतलब नेगेटिव ही बोलेंगे वैसे। सोया का क्या सीन है कि प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी कम रहती है, और वैसे भी वेजिटेरियन डाइट में देखें ना तो दूध को छोड़ के, मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स को छोड़ के, हर एक चीज में प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी तुम्हें कम ही मिलेगी, इंक्लूडिंग दाल या फिर और कुछ भी ले लो। और पता नहीं सिर्फ सोया को क्यों टारगेट करते हैं। लुक एट दिस, ये एग्जैक्टली एक साल पहले क्लिप है, और ये मैं तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ बताता हूँ, थोड़ी सी देख लो पहले। तो द थिंग इज, हमें कई बार लगता है कि हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, रुक गई है, पर तुम्हारी बॉडी में डेली चेंज आ रहा होता है। बट द थिंग इज कि बॉडी बिल्डिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, और वो विजिबल डिफरेंस दिखने में ना कई बार काफी महीने या मे बी साल भी लग जाता है। और इसको स्पीड अप करने के लिए तुम सिर्फ दो चीज कर सकते हो, फर्स्ट इज टू स्टिक टू द प्लान, एंड सेकेंड इज ट्रस्ट द प्रोसेस। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30, and now it's time for अपनी meal number 2, which will be अपनी pre-workout meal. But उससे पहले मैं prepare करूँगा अपनी post-workout meal. और इस meal में कुछ बताने के लिए आज सच है नहीं, क्योंकि ये identical होने वाली है अपनी meal number 1 से, which was overnight oats. पर ये अब overnight क्या बोलेंगे इनको, over afternoon. तो अब हम बनाएंगे अपना post-workout के लिए over afternoon oats. बहुत बुरा लग रहा तो अभी the only difference in meal number 2 नहीं 1 एंड पोस्ट वर्कआउट जो कि होगी मील नंबर 3 इज कि मेरे पास अब बनाना नहीं है। बनाना को मैं अब रिप्लेस कर देता हूं इससे, विच इज न्यूट्राबेका वाइटल वे। तो एज मैंने पहले भी बताया, इसके अंदर एक अच्छा ब्लेंड है फॉर अ पोस्ट वर्कआउट मील, एज इसमें अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स भी हैं। और भाई साहब मेरे को ना बनाना से एक चीज याद आई, तो एक बंदा था वो इंडिया में ही ऑब्वियसली पता नहीं कहाँ रहता था, उसके यहाँ एक बनाना 10 रुपए का पड़ता था, वो 6 बनाना लाता था 60 रुपए के, और प्लस वो बहुत बजट पे डाइट फॉलो करता था। और जब मुझे पता लगा, क्योंकि मैं कितने के लाता 25 रुपए के 6 शायद, तो तब उसको मैंने ये रिकमेंड किया था। और क्योंकि इसमें कार्ब ज़्यादा ना, तो इसका टेस्ट बहुत रिच होता है और ज़्यादा क्रीमी बनता है शेक भी। और सेकेंडली ये चीज़ बहुत बजट फ्रेंडली है। कितना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख लेना, और कैमरा भी भिल गया सुन के समझा भाई। एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड नॉट्स ऑफ इट फॉर एडिशनल डिस्काउंट। पहले तो मैं शेक पीता था ना, तो क्रिटीन पीना भाई ईजी था, अब क्या होता है मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। तो उसके लिए मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, जो मैं पानी डालने वाला हूँ ना अपने ओवरनाइट ओट्स में, उसी के अंदर क्रिटीन डाल दूंगा। एक्चुअली ये प्री वर्कआउट का डब्बा है, बस इसमें मैंने क्रिटीन भरा हुआ है। इस वाइटल की वजह से ना इतना थिक हो गया ना अभी, सही है, पता नहीं जब ये फूल जाएगा तो क्या हाल होगा इसका, मजा आएगा। एक पॉइंट आया मेरे दिमाग में, एज मैं ओवर आफ्टरनून ओट्स में मैंने फैट्स ऐड करे हुए हैं, और इस मील को मैं वर्कआउट के बाद खाऊंगा, तो लोग बोलेंगे कि फैट्स खा रहा है वर्कआउट के बाद, एब्जॉर्प्शन स्लो, ये वो। तो भाई देखो, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को। मैं अपनी बताऊं तो मैं सिर्फ 3 चीज़ों पे ध्यान देता हूं, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। फर्स्ट इज 10/10 एक अच्छा वर्कआउट, सेकंड क्लीन डाइट विदाउट एनी चीट,
थर्ड इज अच्छा रेस्ट. बस ये तीन चीज पैरेलल चलाओ, बाकी कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, इजी बनेगी बॉडी. एब्स बनाने के लिए एक ऐसे टिप देता हूँ, डाइट वर्कआउट हटाओ, सिर्फ एक चीज करनी है, ऐसे खाने को ना कैसे बोलना ये सीख लो बस, इजी बनेंगे. आधा खा लिया, उसके बाद ध्यान आया कि वीडियो रिकॉर्ड करनी थी. तो इसमें क्या है, जो मैं सोया राइस प्रिपेयर करता हूँ ना अपना, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, एक अभी खा लेता हूँ और एक खा लेता हूँ डिनर में. और टू बी एग्जैक्ट इसके अंदर है 25 ग्राम ऑफ चावल, 25 ग्राम ऑफ चने की दाल, 50 ग्राम सोया ग्रैन्यूल्स एंड और उसके ऊपर मैंने डाला था 35 ग्राम ऑफ सॉल्टेड पीनट्स. हो तुम्हें पता है स्कूल टाइम में, स्कूल नहीं कॉलेज टाइम में, जब नहीं पता था ना बॉडी बिल्डिंग के बारे में, कुछ भी खा रहे हैं, मैं दिन के ऐसे से दो पैकेट खा जाता था. भाई कितनी कैलोरीज है इसमें, एक मिनट दो. तो मोटा मोटा 1000 कैलोरी से ऊपर है एक ये, और मैं दो खा रहा हूँ दिन के. एक्चुअली वो ये पैकेट होता और ले भाई, ये तो और भी ज़्यादा है, इसमें 610 कैलोरीज है एंड ये 200 ग्राम का है, मतलब 1200 कैलोरीज एक पैकेट में. और पूरे दिन में, और पूरे दिन में 2400 कैलोरीज खा रहा था मैं इससे. ऐसे मोस्टली सबको पता होगा सोया राइस मैं कैसे बनाता हूँ, पर जिसको नहीं पता डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक डेडिकेटेड सोया राइस वीडियो का, वहाँ देख लेना. तो अभी आई एम ऑल सेट फॉर द जिम. और आजकल आई हैव बीन वेयरिंग दिस, बहुत सही चीज़ है, 30 रुपए की ओनली, बट सिंस आई एम वेयरिंग वाइट ग्रे वाइट, तो इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कलर कॉम्बिनेशन अपन पहनेंगे ग्रे कैप. इसको भी मैं बैग के अंदर ना रख के ना यहाँ टांग लेता हूँ. और कैप मैंने वहाँ इसलिए टांग दी क्योंकि अभी आई हैव टू वेयर दिस. And you already know what my post-workout meal is. Over afternoon oats. Over afternoon, overnight oats. Perfect है as मेरा workout जिस तरह का होता है ना, बिल्कुल मन नहीं करता है कि जिम के बाद मैं अपनी मील प्रिपेयर करूँ. कई बार क्लिक करता है दिमाग में कि कुछ और खा लेते हैं या फिर चीट नहीं, बट हाँ स्पेसिफिकली ओट्स बनाने का तो और आज का वर्कआउट वॉज 11/10. मे बी बिकॉज गुजिया वॉज स्टिल इन माई ब्लड, क्योंकि कल होली डे था एंड यू नो द रेस्ट. एंड मैं दोबारा वो पॉइंट रिपीट करूँगा कि बॉडी बिल्डिंग इज अ स्लो प्रोसेस, तुम्हें पता नहीं लगता है बट तुम प्रोग्रेस हमेशा कर रहे होते हो. और इस टी शर्ट की फिटिंग इज इनफ टू जस्टिफाई दैट थिंग. अब ये देखो, ये पिक है 1 साल पहले की, 1 मई, नॉट रियली भाई, 10 महीने पहले की है ये. अभी है 10 मार्च, ये है 1 मई. ये क्या है जी भाई, मेरा डेल्ट एक्चुअल में मेरे आर्म से बड़ा है. तो अभी इट्स टाइम फॉर द फोर्थ एंड द लास्ट मील ऑफ द डे. और हाँ, मैं अभी दिन में 4 ही मील्स खा रहा हूँ. और मेरे हिसाब से ना ये डाइट प्लान सबसे प्रैक्टिकल है, एज इन 4 में से 2 मील्स तो मुझे कुक भी नहीं करनी पड़ रही, और जो बची हुई 2 मील्स है सोया राइस वाली वो एक ही बार में कुक हो जाती है. और अगर तुम चाहो तो 2 दिन की मील्स एक बार में कुक करके फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो. सो हियर इज द मील अगेन. इसमें है 50 ग्राम्स ऑफ सोया, 25 ग्राम ऑफ चावल, 25 ग्राम ऑफ दाल एंड ऊपर से इसके ऊपर डाली है मैंने 35 ग्राम्स ऑफ पीनट्स. प्लस ये जो ट्रेनिंग और डाइट अप्रोच है ना, बेस्ट है. एज मैंने ट्रेनिंग इंटेंसिटी वॉल्यूम दोनों बढ़ा दिए हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं ज़्यादा खाना खा पा रहा हूँ और मुझे लीन रहने के लिए ना भूखा नहीं रहना पड़ रहा. और क्या बताऊँ, दिमाग नहीं चल रहा. तो अभी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में के लिए मैंने बहुत चीज़ें प्लान करी हैं. मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और सब कुछ बोले तो वीडियो में ही देखना.